सो हेलो एवरीवन, आज हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हमें बहुत जल्दी जो है स्पीड को कैच करना है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ी बुक है। अप्रॉक्स 1,120 पेजेस इस बुक में है और अभी तक हम 117 पेज पे ही हैं। तो मतलब हमारा अभी 1% काम भी नहीं हुआ है, तो हम अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ये चीज़ शुरू करते हैं, जो है कि द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वॉन्ट टू शेयर कि इसमें हम क्या क्या और पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले है द ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर का ओवरव्यू कि किस तरीके से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो बना है। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स का जो ऊपर ऊपर का है वो शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी शायद प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो 11th 12th में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अब हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और उसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं कि डीनेचुरेशन क्या होता है प्रोटीन का या फिर फोल्डिंग क्या होती है। परहैप्स द मोर रिमार्केबल फीचर ऑफ मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन क्या है, तो सबसे पहले जब हम मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन जैसे होता है, वैसे मायोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन जो मायोग्लोबिन है वो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन्स आर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स लेक ऑफ सिमेट्री। तो इसमें इसकी लेक मतलब जो मायोग्लोबिन है उस पर सिमेट्री हमें नहीं दिखाई देती है उतनी, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द अरेंजमेंट सीम्स टू बी ऑलमोस्ट टोटली लेकिंग इन द काइंड ऑफ रेगुलैरिटी विद वन इंस्टिंक्टिवली एंटिसिपेट्स इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाउ बीन प्रिडिक्टेड बाय एनी थ्योरी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अब ये कुछ आर्टिकल है जो जॉन कैंड्रियो ने लिखा था, उसकी एक थोड़ा सा लाइन है ये। अब हम यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। द कोवलेंट बैकबोन ऑफ अ टिपिकल प्रोटीन कंटेन्स 100 ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स। यानी कि जो एक कोवलेंट बैकबोन होती है एक टिपिकल प्रोटीन की, कोई भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे हमने हीमोग्लोबिन ले लिया या फिर कोई सा भी प्रोटीन ले लिया हमने, उसमें जो उसका जो बैकबोन होती है वो कोवलेंट जो है 100 ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड मैनी ऑफ दीज बॉन्ड्स। बहुत सारे, अब जैसे ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन की जो बैकबोन है इसमें बहुत सारे क्या है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और बहुत सारे इन बॉन्ड्स के बीच में क्या होता है रोटेशन फ्री होता है, यानी कि कोई भी एक जैसे ये मॉलिक्यूल अटैच्ड है यहाँ पे वो क्या कर सकता है फ्री रोटेशन कर सकता है, यानी कि घूम सकता है पूरी तरीके से अपने बॉन्ड के आजू बाजू। द प्रोटीन कैन अज्यूम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशंस क्या होते हैं ना, जैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है तो इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक्स तो आएंगे ही। तो कन्फिगरेशन में क्या होता है ना, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं मतलब कि जैसे काइरल कंपाउंड्स होते हैं तो उनका कन्फिगरेशन होता है आर और एस कन्फिगरेशन, ठीक है, आर और एस कन्फ्यूगरेशन होते हैं। अगर आपने ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पता, इसका बेस भी नहीं पता है, तो आप एक बार जाके ये रिवाइज़ कर लीजिए कि कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, ठीक है। हाउ एवर ईच प्रोटीन हैज़ अ स्पेसिफिक केमिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन। हर एक प्रोटीन अलग होता है, हर एक प्रोटीन का फंक्शन अलग होता है और उसका स्पेसिफिक जो केमिकल है और स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है वो अलग होता है। स्ट्रांगली सजेस्टिंग दैट ईच हैज़ अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक प्रोटीन का एक अलग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। बाय द लेट 1920 सेवरल प्रोटीन हैज़ बिन क्रिस्टलाइज। तो 1920 के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो क्रिस्टलाइज किए हुए थे, इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन को भी क्या कर लिया था क्रिस्टल फॉर्म में हमने सिंथेसाइज कर लिया था। द एंजाइम यूरिएज गिवन दैट ऑर्डरली एरे ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल कैन जनरली फॉर्म ओनली इफ द मॉलिक्यूलर यूनिट आर आइडेंटिकल। यानी कि हम ये चीज़ कह रहे हैं कि किसी भी प्रोटीन को अगर हमें क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो तभी हो सकता है जब उसकी सारी की सारी मॉलिक्यूलर यूनिट्स क्या हों, सेम हों।
द सिंपल फैक्ट दैट मेनी प्रोटीन कैन बी क्रिस्टलाइज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इवन वेरी लार्ज प्रोटीन आर डिस्क्रीटेड केमिकल एंटिटीज विद यूनिक स्ट्रक्चर. तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि इनका जो केमिकल जो एंटिटी होती है वो इनका जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है. दिस कंक्लूजन रिवॉल्यूशनलाइज्ड थिंकिंग अबाउट प्रोटीन एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस. तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमें प्रोटीन्स का जो रिवॉल्यूशन, मतलब वो किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ है और किस तरीके से जो है उनका फंक्शंस जो है वो है, वो हमें पता चला. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. इस चैप्टर में हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो हम डिस्कस करेंगे. इसमें पांच थीम्स जो हैं उसको एम्फसाइज कर रहे हैं. जो पहला है वो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय इट्स अम्यूनो एसिड सीक्वेंस. यानी कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं इस चीज़ से कि उसका जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है वो क्या है. सेकंड, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर. और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्रोटीन क्या फंक्शन कर रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है. थर्ड, एन आइसोलेटेड प्रोटीन यूजुअली एग्जिस्ट इन वन और अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म. यानी कि एक जो जब हमने एक प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, यानी कि वो जहाँ पे नेचुरली है वहाँ से हमने उसको आइसोलेट कर लिया, तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि वो मतलब जो उसका स्मॉलर नंबर है वो स्टेबल होता है अपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें वो स्टेबल होता है. फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स स्टेबलाइजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय अ गिवन प्रोटीन आर नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी स्टेबलाइजिंग फोर्सेज है यानी कि जो स्टेबलाइज कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को वो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन है, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. कि वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, इस तरीके से बॉन्ड होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. जैसे सबसे पहले जो कार्बन जो है उसमें चार क्या होते हैं, उसकी वैलेंस बॉन्ड होती, मतलब उसमें वैलेंसी के लिए, उसको वैलेंसी पूरी करने के लिए उसको चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे कार्बन के साथ. और यहाँ पे क्या करता है, कैटिनेशन, मतलब सेल्फ कैटिनेशन होता है ये, मतलब कि अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है. उसके पीछे का रीज़न ये है. तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है. तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस. अब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस क्या होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस हो गया, एक्सेट्रा. फाइनली, एमिड द ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक प्रोटीन स्ट्रक्चर वी कैन रिकोगनाइज सम कॉमन स्ट्रक्चर पैटर्न दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन आर्किटेक्चर. तो फाइनली जब हमने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो यूनिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने पता कर लिए, तो यहाँ से हम क्या चीज़ रिकोगनाइज कर सकते हैं, जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है जो प्रोटीन का, किसी भी प्रोटीन आर्किटेक्चर, यानी कि क्या आर्किटेक्चर उसकी फॉर्म हो रही है, क्या उसकी कंपोजिशन बन रही है, किस तरीके से वो बन रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगा. These themes should not be taken to imply that the protein have static, unchanging three-dimensional structure. तो अब हमें यहाँ से ये चीज़ नहीं मतलब हमें ये चीज़ imply नहीं करनी है कि ये जो three-dimensional structure है ये बिल्कुल unchangeable है, static है, ये सब चीज़ें. प्रोटीन फंक्शन ऑफन entails और इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर. यानी कि एक जो प्रोटीन है वो अपने मतलब वो दूसरे स्ट्रक्चर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. जो दूसरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी वो चेंज हो सकता है. प्रोटीन फंक्शन ऑफन इंटेल्स एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर, यानी कि एक या दो मोर स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट हो सकता है. द डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विल बी एक्सप्लोर्ड इन चैप्टर 5 and 6, जो इसके बाद वाला, ये फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिफ्थ और जो सिक्स चैप्टर है उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन एंड इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज एन इंट्रैक्टिव पजल दैट इज ग्रेजुअली यील्डिंग टू टेक्निक्स यूज इन मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री.
तो हमारा जो ये रिलेशनशिप है, यानी कि जो हमारा हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं एक अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस का और उसके जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका, इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हम मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं और ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड टर्न इज असेंशियल टू डिस्कस अ फंक्शनल इन सक्सीडिंग चैप्टर्स। तो जैसे जैसे हमें एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा, हम आगे आगे उसके जो फंक्शंस हैं उनको भी हम प्रीसीडिंग चैप्टर में क्या कर सकेंगे, सक्सीडिंग चैप्टर्स में डिस्कस कर सकेंगे। वी कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न विद इन द बायो केमिकल लेबरिंथ ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय एम्प्लाइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हम ये जो बायोकेमिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर है, हम इसको मतलब बेसिक जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उनके फंडामेंट्स को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग आर फर्स्ट, ये तो हमने खाली एक इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर का, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम यहीं से डिस्कस कर रहे हैं, एन ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कि ओवरव्यू क्या है प्रोटीन स्ट्रक्चर का। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स कन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आपको अपना 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर याद हो, तो पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसमें हम सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें नॉमनक्लेचर वगैरह है, उसमें ये कन्फर्मेशन वाला चैप्टर है, ये रेफरेंस दिया है मैंने। अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल भूल गया है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट। तो द पॉसिबल कन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इंक्लूड एनी स्ट्रक्चर स्टेट दैट कैन बी अचीव विदाउट ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कन्फॉर्मेशन क्या है सबसे पहले? तो कन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो प्रोटीन जो इंक्लूड करता है, मतलब जिसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब हम एक स्ट्रक्चर से, जैसे हमने एक प्रोटीन ये ले लिया, ठीक है, ये चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसका पहला कन्फॉर्मेशन हो गया और ये इसका दूसरा कन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे किसी भी तरीके के बॉन्ड में चेंज, मतलब बॉन्ड में टूटना या जुड़ना नहीं हुआ है, लेकिन तो बिना बॉन्ड में कोई भी चेंज हुए, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग या मेकिंग के बिना जो स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन। अ चेंज इन कन्फॉर्मेशन कुड अकर फॉर एग्जाम्पल बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो किस तरीके से जो है ये चेंज हो सकता है? तो पहला तो इसमें यही दिया है कि रोटेशन हो जाए एक सिंगल बॉन्ड के अलोन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो इसमें जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसे है, अब इसका रोटेशन हो गया और ये कैसा हो गया, यहाँ पे से इसका रोटेशन हुआ और ये ऐसा हो गया, तो एक सिंगल बॉन्ड के अलोन क्या हो गया, इसका रोटेशन हो गया। तो इस तरीके से हमें ये कन्फर्मेशन मिलता है। ऑफ द न्यूमरस कन्फर्मेशन दैट आर थ्योरेटिकली पॉसिबल इन अ प्रोटीन कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो हमें बहुत सारी अब एक प्रोटीन सिर्फ एक उसका तो नहीं बना हुआ ना अम्यूनो एसिड का, उसमें बहुत सारे अम्यूनो एसिड प्रेजेंट है, तो इन हंड्रेड्स ऑफ जो सिंगल बॉन्ड्स हैं इनमें अलग अलग क्या है कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। तो जो मोर कॉमन और जनरल जो प्रीडोमिनेटिंग चीज़ है वो क्या है, बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर है। द नीड फॉर मल्टीपल स्टेबल कन्फर्मेशन रिफ्लेक्ट्स द चेंज दैट मस्ट अकर इन मोस्ट प्रोटीन एज दे बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स और कैटलाइज रिएक्शंस। The conformations existing under a given set of conditions are usually the ones that are thermodynamically the most stable, having the lowest Gibbs free energy. तो ये जो conformations हैं मतलब किसी भी set of जो conditions में हमको मिलते हैं, ये thermodynamically क्या है, stable हैं, thermodynamically ये बहुत ज़्यादा stable होते हैं, और इनमें जो Gibbs free energy होती है वो क्या होती है, lowest होती है, यानी कि कम होती है। प्रोटीन इन एनी ऑफ देयर फंक्शनल फोल्डेड कन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड नेटिव प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स जो किसी भी मतलब जो प्रोटीन्स हैं उनके फोल्डेड कन्फॉर्मेशंस में और फंक्शंस में उनको हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन्स, यानी कि जो अपने अपनी मतलब पहली फॉर्म में है, ठीक है।
वट प्रिंसिपल डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, तो वो क्या प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हमें अपना मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन एक प्रोटीन का पता लग सकता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन कन्फॉर्मेशन कैन बी बिल्ड स्टेप वाइज फॉर द डिस्कशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इन चैप्टर 3 थ्रू अ कंसिडरेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो हम ये चीज़ पता लगाएंगे उसके जो सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हैं उनको पढ़ने के बाद। टू दिस ट्रेडिशनल अप्रोच मस्ट बी एडेड a new emphasis on super secondary structure, a growing set of known and classified protein forms। तो उसके बाद हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि इस चीज़ को नए तरीके से जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो हम ये जो प्रोटीन फोल्डिंग के पैटर्न्स हैं इनको आप समझ के करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स टू दिस कॉम्प्लेक्स एड्यूवर वी बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो अभी हम कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो पढ़ेंगे किसके इस प्रोटीन के कन्फॉर्मेशंस को समझने के।